Hey guys, welcome to my channel Bharti's Lifestyle with Cooking and Happy Dasara to all. आज दशहरा का दिन है, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो किस तरह से हम लोगों का जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट करते हैं वो आपको दिखाती हूँ, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पे। तो सबसे पहले मैंने रंगोली वगैरह बना दिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ, देन आफ्टर हम लोग को जाना है खाना बनाने। सिस्टर इन लॉ है तो उनको भी हमारे घर पर खाने के लिए बुलाए हैं हम लोग, तो वो लोग भी आने वाले हैं एंड खाना भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैंने रंगोली बनाया है, कितना कलरफुल, मैंने सिर्फ हल्दी और कुमकुम से ही कलर भर दिया है। और ये जो ऊपर टंगा हुआ है वो दशहरे के दिन बांधते हैं कद्दू, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पे चिकन मटन भी साफ करके रेडी करके रख लिया है। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले पानी उबाल के रखना होता है, जो चावल जितना आप लेते हो उससे डबल ट्रिपल क्वांटिटी में आपको पानी लेनी है। पानी की कोई क्वांटिटी ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर हमें तेल और जीरा डाल के बॉईल कर लेनी है। तो जैसे ही बॉईल हो जाएगा उसमें चावल ऐड करनी है। सो यहाँ पर 3 ग्लास बासमती राइस धो के ले लिया है और वो उसमें डाल देनी है। ये करीब 10 लोगों की क्वांटिटी है, 10 लोगों का मैं यहाँ पे क्वांटिटी आपको बता रही हूँ। तो चावल को अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे मैं ऑनियंस तेल में फ्राई कर रही हूँ बिरयानी के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ऑनियंस फ्राई किया हुआ डालने से। तो अभी चावल जो है थोड़ा सा पक चुका है, उसमें हमें थोड़ा सा नमक डाल देनी है 2 चम्मच, बाद में फिर से हमको नमक ऐड करना होता है, तो कम ही डालना है अभी। तो जैसे चावल 30% ही पकाना है, 30-40%, उससे ज़्यादा हमें चावल को नहीं पकाना है, कच्चा ही चाहिए हमें। तो देखिए ये चावल हो चुका है, अब हम इसमें से पानी निकाल लेते हैं। तो एक्स्ट्रा पानी हम लोग स्ट्रेन कर रहे हैं और यहाँ पे फैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो देखिए इस तरह से कच्चा होना चाहिए, इसको 40% जितना ही पकाना है, पूरा चावल नहीं पकाना है हमें। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे जायपत्री, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, चक्रफूल, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, जायफल का पाउडर और साजिरा। ये सब 10 लोगों की क्वांटिटी के लिए है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और यहाँ पे धनिया जीरा को मैंने भून लिया है, इसका पाउडर हमें बिरयानी में चाहिए। तो यहाँ पर चिकन ऑलरेडी क्लीन करके रख लिया है, उसमें हम लोग फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 4-5 चम्मच, इसमें ज़्यादा ही अदरक लहसुन डलता है। अगर आप फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालोगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इसमें आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, साथ ही 4-5 चम्मच मिर्च पाउडर। हम लोग थोड़ा तीखा ज़्यादा ही खाते हैं स्पाइसी, आप अपने अकॉर्डिंग मिर्ची पाउडर डाल सकते हो। सो टोटल यहाँ पे मैंने 8 चम्मच मिर्च पाउडर डाल दिया है इसमें। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर जो मैंने खड़े मसाले आपको दिखाए थे वो अभी इसके अंदर डाल देनी है, साथ ही साजिरा और ये जायफल का पाउडर। और यहाँ पे कड़ी पत्ता, कोथमीर और तेज पत्ता को धो के डाल देना है इसके अंदर। ये देखिए कियांश कितना मस्ती कर रहा है, वीडियो ही नहीं बनाने दे रहा था। तो अभी हमें सब मिक्स करने के बाद इसमें होममेड घी डालना है 2 चम्मच, आप कोई भी घी डाल सकते हो। धनिया जीरा पाउडर जो हमने भून के रखा था उसी का पाउडर हमें इसमें डालना है 2 चम्मच। और तेल डालना है 6-7 चम्मच, इसमें तेल ज़्यादा ही लगता है क्योंकि ये 10 लोगों की क्वांटिटी है, 3 किलो चिकन है, तो 3 किलो के लिए 6-7 चम्मच ऑयल तो लगेगा ही। और इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं सूखा वाला, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। और स्वादानुसार नमक डालना है, ध्यान रखिए ऑलरेडी हमने चावल में 2 चम्मच जितना नमक डाल दिया है तो इसमें हमें कम ही डालना है।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें 4-5 हरी मिर्ची कट करके डाल देनी है और 1 किलो दही। दही ये ज़्यादा खट्टा नहीं है सो इसमें 1 किलो दही डाल रहे हैं, अदरवाइज़ खट्टा हो तो आप थोड़ा कम डाल दीजिए। तो 3 किलो चिकन के लिए 1 किलो दही डलेगा, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसके ऊपर जो चावल हमने ठंडा करने के लिए रखा था वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देनी है, फैला देना है। ये पूरा ठंडा हो चुका है चावल और कच्चा भी है। आधा चावल डाल देने के बाद उसके ऊपर हमने जो फ्राई किए थे ऑनियन वो डाल देना है ऊपर से, उसके ऊपर फिर से हमें चावल को डाल देनी है। तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है ऑनियंस का। तो पूरा चावल डाल देने के बाद उसके ऊपर फिर से हमें फ्राई किया हुआ ऑनियन को डाल देना है पूरा। तो यहाँ पे हमने पूरा ऑनियन डाल दिया और ये जो केसर मैंने गर्म दूध में भिगो के रखा था वो थोड़ा थोड़ा सभी जगह थोड़ा थोड़ा डाल देना है, इससे कलर भी आएगा और स्वाद भी अच्छा लगेगा। अब हम इस बर्तन को हाई फ्लेम पे पकाएंगे करीब 15 मिनट तक और इसके ऊपर इस तरह से कपड़ा रख दीजिए और उसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए ताकि इसके अंदर का जो भाप है वो बाहर ना निकले, क्योंकि हमें दम बिरयानी बनाना है तो हमें अगर साइड पे आटा लगाएंगे तो फिर वो निकालने में फिर लगाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो आप इस तरह से जुगाड़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने वो पानी का कलश रख दिया था जिससे इसका जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये देखिए इसे 30 मिनट कम से कम लग जाता है पकने में। तो हमारा बिरयानी रेडी हो चुका है। तो ये चिकन ग्रेवी है, चपाती है और सलाद है। सो खाना बन चुका है अब हमारा। सो गाइस अभी जो है शाम का टाइम हो गया है और शाम को सभी लोग हमारे में नए कपड़े पहन के तैयार हो के, और जो भी बड़े होते हैं उनके हाथ में, बड़े हो या कोई भी हो, उनके हाथ में एक पत्ता होता है। तो ये वाला पत्ता होता है, इसे क्या बोलते मुझे नहीं पता, पर आज के दिन दशहरे के दिन ये वाला पत्ता, इसे सोना कहते हैं त्यौहार के दिन। तो नॉर्मली क्या है मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताइए। तो ये वाले पत्ते सबके हाथ में देखे उनको विश करना होता है एंड पैर छूना होता है बड़े लोगों का। तो आज के दिन इसका बहुत ही वैल्यू है। एंड तो ये जो पत्ता होता है शाम के टाइम जो भी बड़े होते हैं वो जाते हैं सब मिलके और ये पत्ते तोड़ के लाते हैं। और अब हम जाने वाले हैं मेरे ननंद के घर क्योंकि वो हमारे से बड़े लगते हैं रिश्ते में। तो रिश्ते में भी बड़े हैं, एज में भी बड़े हैं, तो उनके घर जाना होता है और उनको ये जो सोना है उनको देख के विश करना है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये वही ड्रेस है मीशो का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अभी सब लोग तैयार हो गए, तो चले चलते हैं। तो देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलिए चलते हैं हॉल में और वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए ये किस तरह से स्माइल कर रहा है। सबसे पहले भगवान से आशीर्वाद लेनी है। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग बड़ों के आशीर्वाद ले रहे हैं। कियांश को मैं कितना बोल रही थी कि दादाजी के पैर छू लो, आशीर्वाद लो, तो वो सुन ही नहीं रहा था। ये मेरे ननद की लड़की है और हम लोग ने फोटोज वगैरह शूट किए थे। सो गाइस जैसे ही हम लोग ने मतलब वो जो पत्ते थे वो सबके हाथों में देख के आशीर्वाद ले लिया है और उसके बाद कुछ फ़ोटोशूट हुआ, देन आफ्टर हम लोग ने थोड़ा टाइम स्पेंड किए और उसके बाद हम लोग ने डिनर कर लिया था। डिनर में हम लोग ने सिर्फ चपाती बनाई थी, सुबह का ही सब कुछ था, चिकन मटन और बिरयानी। तो सुबह ही हम लोग ने ज़्यादा बना लिया था तो इसलिए अभी कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वही हम लोग ने गर्म करके खा लिया है। तो वो डिनर का जो शूट था वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी।
तो दशहरे का जो सेलिब्रेशन है इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे जो भी वीडियोस आते रहेंगे वो आपको अपडेट मिलते रहें। तो ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल देन बाय।